नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम एक बार फिर से जो है कि VVL के बारे में बात करेंगे। हालांकि कल भी हमने इससे रिलेटेड वीडियो बनाया दोस्तों, उस टाइम पे हमने बताया था कि इस स्टॉक से रिलेटेड हमने कई बार, लगभग आप अगर एक हफ्ते में ही देखेंगे तो लगभग चार बार इस स्टॉक को हमने कवर कर लिया है दोस्तों। और जब ये कंपनी 1400-1380 के आसपास चल रही थी उस टाइम पर भी हमने कवर किया था। हालांकि दोस्तों, जो हमारा पॉजिटिव सीन रहता है, आप सभी लोगों को पता है कि इस बार ये कंपनी हो सकता है कि 2000 के पार भी जा सकती है। लेकिन मैं इतना ही बता दूं, 2000 में बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो सकता है, बहुत ज्यादा इसको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ सकता है। लेकिन अगर मैं ब्रोकर्स के अकॉर्डिंग उनके अगर मैं टारगेट की बात करूं तो कुछ ब्रोकर्स ऐसे हैं कि इस स्टॉक का जो कि 1600 रुपए टारगेट दे रहे हैं, कुछ ब्रोकर ऐसे हैं जो कि 1700 कुछ रुपए का टारगेट दे रहे हैं। तो हो सकता है कि अगर इन दोनों लेवल को यह कंपनी टच करती है तो यह कंपनी आने वाले समय 2000 के लेवल को भी टच करेगी, जैसा कि मेरा मानना है। क्या इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। बहुत सारे इस स्टॉक को बाइंग करने के बारे में मतलब कि इंटरेस्टेड होंगे दोस्तों, क्योंकि बताना जाता है कि इकलौती ऐसी कंपनी है जो कि इसके चार्ट बहुत ही कम आपको डाउन ट्रेंड में रहेंगे, या तो कंसोलिडेशन फेस या तो कंपनी मतलब आउट परफॉर्म करते हुए दिख जाती है। हम आगे वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के ऊपर, जैसा कि आप देख, सबसे पहले अगर मैं आज की बात करूं दोस्तों, जो सबसे बड़ा पॉजिटिव सीन है मेरे लिए, देखिए हम कोई भी गुड न्यूज़ की बात करें या क्या है दोस्तों, उसको तो मैं कवर करता ही हूं, लेकिन सबसे पहला जो मेरे लिए पॉजिटिव सीन रहता है इस कंपनी के लिए क्या है दोस्तों, 1523 के ऊपर कंपनी ने क्लोजिंग दिया, जो मेरा मानना रहता है कि लास्ट आप कर सकते। देखिए आगे कुछ भी अंक लगा लीजिए, लेकिन ये 20, 80, 50 ये सबसे बड़ा इस कंपनी का एक 00 क्रूशल लेवल आप कह सकते हैं। किसी भी समय अगर इसके आसपास एक कंपनी कंसोलिडेशन फेस करती है तो आने वाले समय ये स्टॉक एक अच्छा खासा तेजी दिखा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि आपको क्या लगता है चाहे तो उनको कमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर जो भी हमारी वीडियो को देखते हैं उनको मालूम होगा कि इस स्टॉक को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहता हूँ, बहुत ज़्यादा काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्री कहो चाहे जो भी रहो। देखिए दोस्तों, किसी भी स्टॉक को मैं रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, लेकिन हाँ मेरा मानना क्या रहता है दोस्तों, किसी भी स्टॉक में अगर मान लीजिए आपने बाइंग कर लिया ब्लाइंडली भागते हुए शेयर को, ऐसे शेयर को आप बाइंग करो जिसको कि आपको होल्ड करने की आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए। ऐसा क्यों दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है कि अगर आप इसके एक महीने के चार्ट को देखेंगे तो कंपनी ने आज भी 10% का रिटर्न बना के दिया। कहने का अर्थ क्या है कि जो भी ये 10% देखने को मिल रहा है ना, ये जस्ट अभी अभी का देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो ये कंपनी एक कंसोलिडेशन फेस में चल रही थी। तो क्या हुआ दोस्तों, देखिए जो शॉर्ट टाइम इन्वेस्टर हैं वो क्या करते हैं, किसी स्टॉक को पिक करते हैं, फिर स्टॉक में अगर गिरावट हो जाती है तो उसको मतलब कि उसका शिफ्ट पैसा कहीं और कर दे, क्योंकि दोस्तों उनके पास एक लिमिटेड पूंजी रहती है, उसको निकाल करके कहीं ना कहीं से उनको मतलब 10-12% उनका एक प्रेशर समझो उनके ऊपर बना रहता है। वहीं पर अगर आप 6 महीने के चार्ट को देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये कंपनी ने एक कंसोलिडेशन फेस किया, जो कि अभी आप कह सकते हैं फाइनली 1500 के ऊपर इस कंपनी ने क्लोजिंग दिया है। आज की भी अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं लगभग 30-40 रुपये के आसपास ये कंपनी मतलब ओनली डिस्काउंट पे अवेलेबल है, जो कि ये कंपनी हर बार आप कह सकते हैं 100 रुपये से लेकर के 150 के डिप पे अवेलेबल रहती है, लेकिन 100 रुपये का ही डिस्काउंट ज़्यादातर देखने को मिलेगा। इस बार की अगर मैं बात करूँ तो 150 के आसपास देखने को मिला था। आप सभी लोगों को बता दोस्तों कि इससे रिलेटेड कुछ इतना खास न्यूज़ देखने को मिलता नहीं है, जिसको मैं मतलब कि कवर भी नहीं करूँ दोस्तों। सबसे पहले अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो 1544 का आज का हाई देखने को मिला, जो कि कंपनी ऑल टाइम हाई के बहुत ही करीब गई भी थी। हो सकता है दोस्तों कि आने वाले समय में इसके लेवल को भी तोड़ेगी और कंपनी ऊपर ही मतलब इसके क्लोजिंग देगी, ऐसा नहीं है। कंपनी की अगर मैं न्यूज़ की बात करूं, जैसा कि हमने पहले वीडियो में बताया था दोस्तों कि जस्ट इसको आप 4 अप्रैल तक होल्ड करके चले, उसके बाद स्टॉक में क्रैली देखने को मिलेगी। बस आप देख सकते हैं कि अभी अपने को मतलब पूरा कमबैक भी होते हुए दिख रहा है। ये सारी न्यूज़ जो है कि मतलब वही 1.25 रुपये का डिविडेंड देखने को मिला था, 25% बोले तो 1.25 रुपये का डिविडेंड, जो कि अभी खत्म हो गया, आपका एग्जिट रिकॉर्ड डेट सारा कुछ खत्म हो गया है। सेकंड अगर मैं बात करूँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 400 मिलियन के आसपास कंपनी ने वियतनाम में एक इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बात हुई थी, जो कि बिलियन के आसपास मतलब 400 मिलियन के आसपास उज्जैन में और कुछ मतलब जगह पे, जो कि मतलब हमने बताया था। उस न्यूज का इम्पैक्ट दोस्तों इस स्टॉक के ऊपर पड़ते हुए नहीं दिखा था, फिर भी आप सभी लोगों को हमने बताया था दोस्तों कि अगर आप एक महीने के चार्ट को देखेंगे और हमारी रेगुलर वीडियो को जो लोग देखते हैं उनको मालूम भी होगा कि आप देख सकते हैं कि स्टॉक में कुछ भी इतना खास इम्पैक्ट नहीं पड़ा था। हालांकि कंपनी में पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिला था, फिर भी स्टॉक में तेजी देखने को नहीं मिली थी। तो उसके बाद आप कह सकते हैं दोस्तों कि अभी उसका ही इम्पैक्ट पड़ते हुए दिख रहा है। सेकंड जो इसमें सबसे बड़ा तेजी के पीछे का रीजन आप कह सकते हैं दोस्तों कि इस स्टॉक में देखिए वैल्यूम की अगर मैं बात करूं तो आप कह सकते हैं कि 33 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए हैं, जिसमें 40% के आसपास माल डिलीवरी में उठाया गया। हालांकि तेजी के पहले की अगर मैं बात करूं, जिस समय स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में था उस समय 80%, 78%, 72%, 70% के आसपास माल डिलीवरी में उठाया जाता था। यहाँ पर अगर मैं कुछ अनाउंसमेंट की बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि इतना कुछ खास अनाउंसमेंट अभी तक तो होते हुए नहीं दिख रहा है। फिर भी 3 अप्रैल की अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि इनका जो कि मतलब 3 तारीख को जो कि मतलब एक एनुअल जनरल मीटिंग था, हालांकि हमने इससे रिलेटेड कल ही डिस्कस कर लिया था।
अभी इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि देखिए कोई भी स्टॉक अगर भागता है तो बहुत सारे ट्रेडर्स के मन में डाउट होता है कि स्टॉक अभी टॉप पे, जब गिरावट होगी तब हम बाइंग करेंगे, जब गिरावट होती है कंसोलिडेशन फेस में रहता है तब जो कि वो बाइंग नहीं करते हैं। मतलब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यही बताना चाहता है कि हर वे में वो बाइंग करने के बारे में सोचते तो जरूर है लेकिन बाइंग नहीं करते हैं। तो अभी क्या इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उससे रिलेटेड में बात कर लो। सबसे पहले दोस्तों देखिए, इस स्टॉक को कोई भी रिटेलर किसी भी प्राइस पे बाइंग करेगा उसका पैसा रिकवर होगा और ये कंपनी जो है कि आपको रिटर्न बना के भी देगी, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि आपको क्या लगता है शायद हमको कमेंट भी कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक के जो चार्ट है दोस्तों, और दूसरे कंपनी के चार्ट को और इस कंपनी के चार्ट को आप देख सकते हैं, क्या कंपनी जस्ट अभी भी आई है? नहीं दोस्तों, कंपनी भी देखा है तो 2016 से मार्केट में काम कर रही है। और यहाँ पर अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो आप कह सकते हैं कोविड पीरियड में भी इस टाइप की गिरावट देखने को मिलती है। हालांकि यहाँ पे देखेंगे इस कंपनी में बहुत ज़्यादा अगर जो गिरावट देखने को मिली लगभग 25 से 30%, और शॉर्ट टाइम में अगर गिरावट की बात करें तो लगभग 15 से 20% कंपनी ईजिली करेक्ट हो जाती है, इस चीज़ को आप मान सकते हैं। लेकिन जो 15 से 20% कंपनी ईजिली करेक्ट होगी उसको बहुत ही शॉर्ट टाइम में रिकवर भी करती है, तो इस चीज़ को भी आप चाहे तो मान करके चल सकते हैं। हालांकि दोस्तों जो भी रिटेलर इस स्टॉक को इस प्राइस पे बाइंग करेगा, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ लास्ट, ये कंपनी 1420 रुपये से लेकर के 1450-80 ये आप मान सकते हैं या 1400 रुपये आप कर सकते हैं। हालांकि तो वही पे अगर मैं तेजी की बात करूँ तो आने वाले समय में ये कंपनी 1600 के लेवल को तोड़ेगी तो 2000 रुपये की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। लेकिन 2000 में एक बार फिर से बोल रहा हूँ, उसमें थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेस या अप्स एंड डाउन देखने को मिल सकता है, एक लंबा संघर्ष भी आप कर सकते हैं, मतलब कंपनी स्ट्रगल कर सकती है। हालांकि दोस्तों इस कंपनी के लिए मतलब कुछ इतना खास ईजी चीज़ मतलब 2000 टच करना कोई इजी चीज़ नहीं है दोस्तों। आप एक साल में भी अगर कंपनी के चार्ट को देखेंगे तो लगभग 110% का रिटर्न है, 6 महीने की अगर मैं बात करूं तो लगभग 65% का रिटर्न निकल के आ जाएगा, 1 महीने की अगर मैं बात करूं तो आप कह सकते हैं कि लगभग 1 महीने में ही कंपनी ने एक अच्छा खासा मतलब कि 10% 12% के आसपास रिटर्न भी बना के दे दिया है। हालांकि वही हमने बताया कि गिरावट होती है जितना और तेजी आती है तो 2000 के लेवल को टच करेगी, लेकिन कंसोलिडेशन फेज एक लंबा चल सकता है। चलिए दोस्तों, ब्रिज चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू दोस्तों।